इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है वो हमेशा से ही शायकीन के बीच में एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच जो है वो देखा जाता है। अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे तो इंशाल्लाह मैच जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। हम अगर इंडिया के खिलाफ आगे बॉल करेंगे और अच्छी जगह पे बॉल करेंगे, सारे बॉलर मोहम्मद आमिर का साथ देंगे, तो इंशाल्लाह कम से कम रन पे उनको रोके तो मैच जीता जा सकता है। प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, सरफराज हमारे कैप्टन है, काफ़ी अच्छे कैप्टन है और इंशाल्लाह वो प्रेशर को हैंडल करेंगे और टीम को साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ये प्रेशर जो है इस बार हमारे हारने का फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इस बार हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान। पाकिस्तानी टीम ऐसी है जिसको आप कभी भी ओवररेटेड नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो हमेशा सरप्राइजिंग फैक्टर के तौर पे साबित होती है, स्पेशली जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है। लेट्स सी कि पब्लिक का क्या कहना है, क्या उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया को हरा पाएगी। अगर परसेंटेज में पूछें तो 80-20 हो सकता है कि इंडिया विन करेगी, 80% है और बाकी हम लोग दुआ ही कर सकते हैं कि बारिश हो जाए। So let's try to get an international perspective on the match. Well, at the moment, the statements that I'm looking at coming from the Pakistani team and that they're saying they're going in for the kill, so I'm hoping for the best. 50-50 chances हैं क्योंकि इंडिया का जो एक मेन ओपनिंग प्लेयर था शिखर धवन वो इंजर्ड हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि I think fitness is not so good. I hope Imran Khan is going to do something better, जो वो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको करने दे आगे भी, तो हमारी टीम पे भी वो वर्क करें और मेक इट मोर बेटर लाइक अदर टीम।